जिन घरों में इन तीन लोगों की चलती है वे घर अतिशीघ्र नष्ट हो जाते हैं। दर्शक बंधुओं, वे तीन लोग कौन हैं? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अनमोल जानकारी देने वाली है। कहते हैं हर आदमी चाहता है कि उसका घर धन धान्य से और खुशियों से भरा रहे, उसके जीवन में कभी कोई दुख ना आए, परंतु फिर भी लोगों की खुशियां नष्ट हो जाती हैं। अच्छे खासे संपन्न घर भी उजड़ जाते हैं, गरीबी का पहाड़ टूट पड़ता है। हमारे ना चाहते हुए भी ऐसा क्यों हो जाता है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे जीवन में घटने वाली समस्त घटनाओं का कारण आदमी स्वयं होता है। उसकी किन्हीं गलतियों के कारण उसे कहीं ना कहीं दुख उठाना पड़ता है, और ये सब परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति के कारण हो जाता है, चाहे वो पिता हो, पुत्र हो या स्त्री। एक व्यक्ति की गलतियां पूरे परिवार के लिए मुसीबत का कारण बन जाती हैं। तो दोस्तों, इस संबंध में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। किसी गांव में एक मनसाराम नाम का व्यक्ति रहता था। उसके चार बेटे थे। चारों बेटों का विवाह हो चुका था। चारों बेटों की जो बहुएं थी उनमें से सबसे छोटी बहू पढ़ी लिखी और बहुत ही बुद्धिमान थी। पहले तो मनसाराम के घर की हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन जब से छोटी बहू घर में आई वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला गया। उसके घर धन की वृद्धि होती चली गई। छोटी बहू सचमुच लक्ष्मी के समान थी, और कहते भी हैं कि जिस व्यक्ति के पास बुद्धि है वही उसकी सबसे बड़ी दौलत है। वो अपनी बुद्धि और विवेक से धनवान भी बन सकता है और परिवार पर आने वाले संकट से भी अपना बचाव कर सकता है। पढ़ी लिखी समझदार बहू के आने से ना तो उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा होता था, ना कोई परेशानी आती थी। दिन रात मनसाराम की तरक्की होने लगी। घर में खुशी का माहौल बन गया। गांव के लोग, पास पड़ोसी उसकी तरक्की को देखकर दिन रात चलने लगे। आपस में बातचीत करते हुए कहते थे कि कल तक तो मनसाराम बड़ा ही कमजोर था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो बढ़ता ही जा रहा है। इसकी तरक्की का राज क्या है? कहीं से कहीं गड़ा धन तो नहीं मिल गया? और दोस्तों, ये दुनिया की फितरत है कि आदमी किसी को अच्छा खाता पीता नहीं देख सकता। वे अपने उत्थान में इतना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते जितना कि पड़ोसी को गिराने में लगाते हैं। जाने क्यों लोग किसी को अपने से अच्छा खाता पीता, हंसता खेलता नहीं देखना चाहते। वे अपने दुख से इतने दुखी नहीं होते जितना कि दूसरे के सुख से उन्हें दुख होता है। लोगों की मनोस्थिति उन केकड़ों की तरह हो गई है जो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। एक बार एक मछुआरे ने बहुत सारे केकड़े पकड़कर अपनी पेटी में रख लिए, और वो तो केकड़े पकड़ने में मस्त हो गया। इधर केकड़े उस पेटी से निकलने का प्रयास करने लगे। जो भी केकड़ा पेटी के ऊपर चढ़ने का प्रयास करता, पेटी में पड़े बाकी केकड़े उसकी टांग पकड़कर नीचे खींच लेते थे। सब एक दूसरे की टांग पकड़कर खींचने में लगे थे, इसीलिए पेटी से निकलकर कोई भी केकड़ा बाहर ना जा सका, और सारे केकड़ों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यही हुआ मनसाराम के साथ। मनसाराम के पड़ोसियों को उसकी खुशियां हजम नहीं हो रही थी। उन्हें इसी बात की डहा खाई जा रही थी कि पड़ोसी मनसाराम इतना फलता फूलता कैसे जा रहा है। यही सोचकर पड़ोसियों ने मनसाराम के कुल पुरोहित को भड़का दिया कि जब से मनसाराम के घर में उसकी छोटी बहू आई है तब से उसके धन की दिन रात वृद्धि होती जा रही है। उसके घर में ना कोई बीमार पड़ता है, ना किसी से लड़ाई झगड़ा होता है। यदि उसके घर में कोई बीमार पड़ता, लड़ाई झगड़ा होता, तो वो झाड़ फूंक के लिए, गृह शांति के लिए आपको जरूर बुलाता, तो आपको भी कुछ दक्षिणा मिल जाती। पर उसके खुशहाल रहने से उसके सारे मंगल कार्य, पूजा पाठ बिना धन खर्च किए ही हो जाते हैं। पड़ोसियों की बात कुल पुरोहित को अच्छी तरह समझ में आ गई कि मनसाराम इसीलिए उन्हें नहीं बुलाता है। कुल पुरोहित ने सोचा कि ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे उसके परिवार की शांति भंग हो जाए और ये पूजा पाठ के लिए मुझे अपने घर पर बुलाए। ऐसा निश्चय करके वो एक ज्योतिषी के पास पहुंचा और बोला कि आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मनसाराम के घर में अशांति फैल जाए। ज्योतिषी ने ध्यान धरकर देखा तो पता चला कि मनसाराम के घर में अशांति तो आ ही नहीं सकती। उसकी एक बहू साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। जब तक वो लक्ष्मी उस घर में रहेगी तब तक तुम उसका कुछ नहीं कर सकती। पुरोहित कहने लगे, तब तो मुझ पर
रोजी रोटी का संकट आ जाएगा, क्योंकि कहते हैं कि चोर अपनी जीविका चलाता है असावधान व्यक्ति से, वैद अपनी जीविका चलाता है रोगी से, मतवाली स्त्रियां अपनी जीविका चलाती है कामी पुरुषों से, राजा अपनी जीविका चलाता है झगड़ने वालों से, और विद्वान अपनी जीविका चलाते हैं मूर्ख व्यक्तियों से। उसी तरह पुरोहित अपनी जीविका चलाता है यजमान से। पुरोहित की बात सुनकर ज्योतिषी कहने लगा, यदि ऐसी बात है तो एक काम करो, अगर तुम मनसाराम के खेत में से एक बांस मंगवा लो तो उसके घर में घोर अशांति फैल जाएगी। यह सुनकर पुरोहित तुरंत मनसाराम के घर जा पहुंचे। पुरोहित ने अपनी जरूरत की बात कहकर मनसाराम से एक हरा बांस मांग लिया। मनसाराम पुरोहित की बात को भला कहां टाल सकता था। वो गया और अपने खेत से एक बांस उखाड़ लाया। यह बात मनसाराम की छोटी बहू को पता चली कि पुरोहित हमारे घर से एक हरा बांस लिए जा रहे हैं, तो उसने उस बांस के कुछ हरे पत्ते अपने घर में बंधी काली गाय को खिला दिए। पुरोहित बांस लेकर चला गया, मगर फिर भी मनसाराम के घर में अशांति नहीं फैली। धीरे धीरे एक माह बीत गया। उधर पुरोहित इस इंतजार में बैठे थे कि उसके घर में अशांति, लड़ाई झगड़ा, रोग शोक फैलेगा, तब ये हमें अपने घर बुलाकर गृह शांति पूजा पाठ कराएगा। लेकिन एक माह बीतने पर भी जब कुछ नहीं घटित हुआ तो पुरोहित फिर उसी ज्योतिषी के पास पहुंचा और बोला, भाई आपके कहने पर मैं मनसाराम के घर से हरा बांस भी ले आया, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। तब ज्योतिषी बताता है, हे महोदय, इसमें मेरा क्या दोष है, मैं तो तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि उसके घर उसकी छोटी बहू साक्षात लक्ष्मी है। जब तुम बांस मांगने गए थे तो उसने बांस के कुछ पत्ते अपनी काली गाय को खिला दिए थे, इसलिए उनका कुछ नहीं हुआ। बहू बहुत बुद्धिमान है, जब तुम बांस मांगने गए थे तो वो समझ गई थी, तो उसने गाय को पत्ते खिलाकर तंत्र काट दिया। अब तुम एक काम करो, मनसाराम से वो गाय मांग लाओ जिसको उसने पत्ते खिलाए हैं। ज्योतिषी के कहने पर पुरोहित फिर से मनसाराम के घर पहुंच गए और बातें बनाते हुए बोले, मनसाराम, मेरी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया है और हम लोगों की इतनी हैसियत नहीं है कि हम उन्हें गाय का दूध पिला सकें। अगर आप मेहरबानी करके अपनी काली गाय कुछ दिनों के लिए हमें दे दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मनसाराम पुरोहित को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहते थे, इसलिए वो अपनी छोटी बहू के पास गए और पुरोहित को गाय देने की बात बताई। बहू ने कहा, पिताजी, यदि ऐसी बात है तो गाय पुरोहित को दे दो, लेकिन उससे पहले हमें एक काम कर लेने दो। मित्रों, इतना कहकर मनसाराम की छोटी बहू ने अपनी चादर के कुछ धागे गाय के आंसुओं से भिगो कर रख लिए और गाय पुरोहित को दे दी गई। पुरोहित गाय लेकर चले गए और मन ही मन बड़े प्रसन्न होने लगे कि अब तो उसके घर में विपत्ति आएगी ही आएगी। जब विपत्ति आएगी तब वो मुझे पूजा पाठ के लिए आमंत्रित करेगा। इसी तरह धीरे धीरे 2 महीने बीत गए, पर मनसाराम के घर में अशांति नहीं फैली। अब तो पुरोहित जी फिर उसी ज्योतिषी के पास आए और बोले, भाई, मैंने तुम्हारे कहने पर मनसाराम के घर से गाय भी मांग लाया, फिर भी वो खुशहाल जिंदगी जी रहा है। 2 महीने बीत गए, फिर भी उसके घर में कोई बीमारी नहीं फैली, ना कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, अब हमारी जीविका कैसे चलेगी। ज्योतिषी ने ध्यान धर कर देखा तो वो समझ गया कि उसकी छोटी बहू ने गाय को देने से पहले उस गाय के आंसुओं से अपनी चादर को भिगो लिया, इसलिए खुशहाली उसके पास ही रह गई। अब तुम वो चादर किसी तरह से मांग लाओ, तभी उसके घर में विपत्ति आएगी। ज्योतिषी महाराज की बात सुनकर पुरोहित जी फिर मनसाराम के घर पहुंचे और मनसाराम से निवेदन किया कि वो अपनी छोटी बहू की चादर मुझे दे दे, मेरी बेटी कीर्तन सुनने दूसरे गांव जा रही है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी बेटी को एक नई चादर दिला सकूं। मनसाराम कहने लगा, महाराज, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो मैं अभी बहू से चादर मांग कर लाकर देता हूं। इतना कहकर मनसाराम बहू से चादर मांगने गया। बहू बड़ी समझदार थी, उसने चादर देने से पहले चादर के बही धागे काटकर निगल लिए जो गाय के आंसुओं से भिगोए थे और चादर ले जाकर पुरोहित को दे दी। पुरोहित चादर लेकर अपने घर पहुंचे और मनसाराम के घर में विपत्ति आने का इंतजार करने लगे। इंतजार इंतजार में ही 2 महीने बीत गए, मगर उसे ऐसी कोई खबर सुनने को नहीं मिली कि मनसाराम के घर में कोई बीमार पड़ जाता, कोई झगड़ा हुआ हो। पुरोहित जी फिर भागकर उसी ज्योतिषी के पास पहुंचे
और बोले, महाराज मैं उसको छोटी बहू की चादर भी मांग लाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तब ज्योतिषी ने ध्यान धर कर देखा तो कहने लगे, पुरोहित जी वो बहू बड़ी बुद्धिमान है, उसने गाय के आंसुओं से भीगे हुए चादर के धागे तोड़कर निगल लिए, इसलिए उसकी खुशहाली उसी के पास रह गई। अब तो मनसाराम को विपत्ति में डालने का एक ही तरीका है, उसकी छोटी बहू को घर से निकाल दो, तभी कुछ हो सकता है, वरना नहीं। और हां, अब इस विषय में बात करने मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें अब कोई रास्ता नहीं बता सकता। ज्योतिषी जी की बात सुनने के बाद पुरोहित मनसाराम के घर गए और सोचने लगे कि मनसाराम की छोटी बहू को घर से कैसे निकलवाऊं। मनसाराम के घर के सारे लोग उस बहू से बहुत प्यार करते हैं, वे खुद तो बिना किसी बात के उससे घर से निकाल ही नहीं सकते। तब पुरोहित के मन में एक युक्ति आई, उन्होंने मनसाराम से कहा, देखो भाई, मानना और ना मानना तुम्हारे हाथ में है। कल रात मैंने एक सपना देखा था, मेरे सपने में एक देवदूत आया था और वो मुझसे कह रहा था कि तुम तो मनसाराम के कुल पुरोहित हो और उसके घर की हानि लाभ सुख दुख का निवारण तुम ही करते हो। देवदूत ने मुझसे कहा कि मनसाराम की छोटी बहू को यदि घर से नहीं निकाला गया तो उसके घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तुम ये बात मनसाराम को जाकर बता दो कि उसकी बहू बहुत अभागिन स्त्री है, उसे घर से निकाल देना ही शुभ है। पुरोहित की बात सुनकर मनसाराम बहुत चिंतित हो गया। उसने अपने बेटों को बुलाकर पुरोहित के द्वारा बताई गई सारी बातें बताई कि आपकी पत्नी की वजह से हम लोग एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, इसीलिए तुम अपनी पत्नी को घर से निकाल दो। मित्रों, उन दोनों की बातें वो छोटी बहू चुपचाप सुन रही थी। छोटी बहू कहने लगी, पिताजी यदि मेरे कारण इस घर पर विपत्ति आएगी तो मैं स्वयं ही इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। इतना कहकर वो घर से जाने लगी। उसके पति ने देखा तो वो भी अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर चल दिया। अब तो लक्ष्मी बहू के घर से जाने के बाद मनसाराम के घर में घोर अशांति फैलने लगी। कभी आपस में लड़ाई झगड़ा होता था, कभी बीमारी आती थी, कभी धन हानि होती थी, तो कभी कुछ। कुछ ही दिनों में मनसाराम कंगाल हो गया। पुरोहित इधर उधर की बताकर झाड़ फूंक करने के नाम पर उससे धन खींचते रहे। इधर खेतीबाड़ी व्यापार सब थम सा गया था। छोटी बहू के जाने के बाद उसकी अन्य बहुएं उस घर की गृहस्थी नहीं संभाल सकी। दिन पर दिन उसकी हालत बिगड़ती गई। उधर छोटी बहू जिस शहर में रह रही थी वो धीरे धीरे वहां भी छोटा मोटा कारोबार करके धनवान बन गई। कुछ ही दिनों में मनसाराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि पुरोहित की बातों में आकर उसने अपने घर को बर्बाद कर लिया है। लक्ष्मी जैसी बहू को त्याग कर वो कंगाल बन गया है। अब वो अपनी बहू और बेटों को बुलाने के लिए शहर चल पड़ा और वहां जाकर उसने अपने किए की क्षमा मांगी। बहू कहने लगी, पिताजी जब इंसान धन से बढ़ने लगता है तो उससे लाभ उठाने वाले, उसे बर्बाद करने वाले, उससे जलने वाले सलाहकार बहुत मिल जाते हैं और बिन मांगे ही सलाह देने लगते हैं। यदि मनुष्य बिन मांगे मिलने वाली सलाह में फंस गया तो उसका विनाश होने लगता है। समझदारी इसी में है कि वो सुने सबकी पर करे वो जो उसके हित में हो। दूसरी बात, मनुष्य को हर कार्य के प्रति स्वयं सतर्क और सावधान रहना चाहिए। मनुष्य की स्वयं की गलतियों से ही वो दुखी होता है। यदि वो अपने धन की सुरक्षा नहीं करेगा, लापरवाही बरतेगा तो धूर्त चोर और लुटेरे अपना मौका मार ही लेंगे। इसमें तुम चोर को दोष नहीं दे सकते। अपने कर्म पर विश्वास करो। यदि हमें अपने कर्म पर, अपनी योग्यता पर विश्वास है तो आपका कर्म आपको फल देगा ही देगा। विपत्ति आने से पहले ही उसका समाधान सोचना चाहिए। हर कार्य दूसरों की सलाह पर ना छोड़ें। जो लोग सावधानी पूर्वक सोच विचार कर कार्य करते हैं वे विपत्ति से लड़ने का उपाय पहले ही खोज लेते हैं। ऐसे लोगों को बाद में पछताना नहीं पड़ता। दर्शक बंधु, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उन तीन लोगों के बारे में, घर में जिनकी ज्यादा चलती है उनके कारण घर बर्बाद हो जाता है। नंबर एक, जिस घर का मुखिया मूर्ख हो, जुआरी हो और बिन मांगे सलाह देने वालों के अनुसार चलता हो तो उसका घर अतिशीघ्र उजड़ जाता है। नंबर दो, हठी और लाडला बालक, जिस घर में ज्यादा हठी
और लाडला बालक हो और उस बालक के घर में चलती हो तो वो अपनी हट पूरी करवाकर ही मानेगा, भले ही उसमें कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए। जिस घर में ऐसे बालक की चलती हो वो घर पत्थर की नाव के समान होता है जिसे डूबना तय है। तीसरी बात, हठी और दुष्ट स्त्री जिसका मन अत्यंत चंचल हो, ऐसी स्त्रियां घर की उन्नति के लिए ठीक नहीं होती। यदि ऐसी स्त्रियों की घर में चलती हो तो वो घर घर की उन्नति सुख शांति नष्ट हो जाती है। दर्शक बंधु, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।